हेलो एवरीवन, अगर आप भी इंडियन एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वज़ीरएक्स के बारे में नहीं, कॉइन ECX के बारे में नहीं, बल्कि ऐसी एक्सचेंज के बारे में जो सबसे पुरानी एक्सचेंज है इंडिया का एक्सचेंज और जिसके ऊपर हम हमेशा रिलाई करते ही करते थे। यानी कि वज़ीरएक्स से पहले एक ऐसी एक्सचेंज थी ज़ेप्टे के नाम से, जो कि आज भी है, लेकिन उसके ऊपर कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम का मतलब यही है कि एक नॉर्मल अगर कोई ट्रेडर है, इन्वेस्टर है या फिर कोई स्पॉट होल्डर है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैसा डिडक्ट करने का एक तरीका बनाया है जिससे ये हमारा रेगुलर बेसिस पर पैसा काटने वाले हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने इथेरियम लिया था तो मेरा हर महीने इथेरियम कट रहा था और मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला कि ये रेगुलर बेसिस पर हर महीने की एक तारीख को ये मेरे इथेरियम काट रहे हैं। और ये सब क्यों काट रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। और शायद एक चीज़ आपने ये भी कभी नहीं सुनी होगी कि KYC करने के लिए आपको पैसे देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ज़ेप्टे 500 रुपये मांग रहा है कि अगर आपको KYC करनी है तो उसके लिए आपको 500 रुपये देने ही पड़ेंगे। तो अगर आपके भी फंड्स ज़ेप्टे में पड़े हैं या फिर आपने कभी यूज़ किया था और उसके ऊपर अभी पड़े हैं, तो मौका है, अभी भी निकाल लो। मैं आपको यहाँ पे सारे कारण बताने वाला हूँ और सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ये जो प्रॉब्लम चल रही थी लगभग कई महीनों से चल रही थी। मैं ट्राई कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से अपना पैसा निकाल लूँ, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फाइनली आज मैं ज़ेप्टे से फ्री हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि ज़ेप्टे के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको मैं अपनी कहानी बताता हूं, जिसमें सब कुछ सारी डिटेल भी आपको बता दूंगा। आप यहां पे देख सकते हैं मेरा ज़ेप्टे के वॉलेट बैलेंस अभी जीरो पड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा का पूरा पैसा निकाला है यहां से। हालांकि कोई इतना कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं था, लेकिन फिर भी लगभग 40-50 हज़ार रुपये के आसपास था जो मैंने बहुत पहले लगाया था और जिससे मैंने इथेरियम बाय किया था। और मैंने मेल के मीडियम से, यानी कि मेल करके सपोर्ट से बात भी करी है, तो आप मेरी हर एक चीज़ सामने क्लियरली देख भी सकते हैं कि कितना इथेरियम था। कोई खास अमाउंट नहीं था, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज अगर मेरे पास 0.1 इथेरियम भी है, 0.23 जितना भी है या 1 इथेरियम है, उसकी आज वैल्यू कितनी है और आगे समय आने वाले समय में कितनी ज़्यादा वैल्यू पहुँच सकती है वो हम जानते हैं। लेकिन ये मेरे इथेरियम की जो वैल्यू है लगातार काट रहे थे, यानी कि जितना इथेरियम था उसमें से कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर काट रहे थे। तो इस चीज़ के इन्होंने रीज़न तो बताया ही है, रीज़न के साथ साथ यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने सोचा कि हमारा इंडियन एक्सचेंज है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सबसे पुराना एक्सचेंज है, ज़ेप्टे एक्सचेंज है, बहुत अच्छा नाम भी रहा है इनका, तो मैंने इसके ऊपर इथेरियम बाय करके रख लिया। एक्चुअल में ये मैंने कई साल पहले बाय किया था, तो मुझे याद भी नहीं रहता था कि ये इसके ऊपर कुछ बाय करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं कभी चिंता में नहीं था कि हाँ इसके ऊपर पड़ा है तो कोई प्रॉब्लम है। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि इसको मैं या तो विड्रॉ कर लेता हूँ, इथेरियम को विड्रॉ कर लेता हूँ, या फिर USDT में कन्वर्ट करके विड्रॉ कर लेता हूँ, या फिर INR विड्रॉ कर लेता हूँ। तो विड्रॉ करने से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो बहुत ही भयंकर रही हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है, यही कि फ़ीस कितनी लग रही है। हालांकि एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे USDT का रेट 88 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर हम इसको वज़ीरएक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ 84-85 के आसपास रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम था। तो एक चीज़ आपको भी पता होगी कि 1% TDS कट रहा है हमारी सारी इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, तो 1% TDS ज़ेप्टे भी काट रहा है, नो डाउट काटेगा, चलो काट ले। लेकिन इसी के साथ अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे मेकर फी, टेकर फी बहुत ज़्यादा है, 0.45% और उसी के साथ 0.05%। जनरली क्या होता है कि जैसे पहले हम वज़ीरएक्स यूज़ करते थे उसके ऊपर फीस रहती थी 0.001, 0.002, 0.005, यानी कि कम से कम एक या दो जीरोस होती थी। इसके ऊपर आप यहाँ पे फीस देखोगे ये 0.5% है, यानी कि इतनी फीस ये लग रही है, 1% TDS कट रहा है तो 1.5% तो यही लग गया। ये किसी न किसी तरीके से इतना ज़्यादा पैसा तो यहीं पे काट रहे थे। और उसके बाद क्या है कि अगर आपने सेल किया फिर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों मैं यहाँ पे फंस गया? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इथेरियम था, इथेरियम को ट्रांजैक्ट करना है तो ERC-20 के ऊपर करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ERC-20 के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस लग रहे थे। अब चार्जेस जो देने हैं वो तो ठीक है, मैं ERC-20 के चार्जेस पे कर दूंगा, $5, $10, $15, वो फीस ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इसके ऊपर एक लिमिट लगी हुई है, उस लिमिट की वजह से आप अपना पूरा अमाउंट नहीं निकाल सकते। तो मैं जो भी ट्राई कर रहा था यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही थी। इन्होंने कहा कि KYC करनी पड़ेगी, तो मैंने, यहाँ आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीनशॉट सामने है, मैंने कहा कि मेरी KYC डन है, ID डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, डिक्लेरेशन सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे ग्रीन टिक दिख रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक रेगुलर KYC है, आपको इससे भी एडवांस्ड एनहेंस लेवल की KYC करनी पड़ेगी, तभी आप बड़ा अमाउंट निकाल पाओगे। अब मैंने आपको एक तो बात ऑलरेडी बता दी कि मैं क्यों विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये हर महीने
हर महीने काट रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने लिखा है कि जनवरी 2023 का इन्होंने अमाउंट काटा फरवरी 27 को, फरवरी 2023 का काटा मार्च 14 को, और उसके बाद हर एक महीने की पहली तारीख को जैसे कि 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, इस तरीके से काटते रहे। तो यहाँ पे अगर तो कुछ रुपीस की बात करते, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये काटते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इथेरियम था और इथेरियम भी आप देख सकते हैं 0.3 इथेरियम था, शायद इससे भी ज़्यादा था, 0.37 इथेरियम था, और ये कटते 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 ये रह गया 0.34। अब इनको शायद नहीं पता लेकिन 0.03 इथेरियम अगर मेरा यहाँ पे कटा है तो इसकी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और वो भी सिर्फ अमाउंट को यहाँ पे रखने के लिए, यानी कि मैंने सिर्फ रखा हुआ है ना, मैं इसको कुछ कर रहा हूँ। तो इनका कहना ये था कि अगर मैंने अपना कुछ भी अमाउंट रखना है ज़ेप्पे के ऊपर तो मुझे हर एक महीने कोई ना कोई ट्रेड करनी ज़रूरी है, यानी कि एक्सचेंजेस में इतना ज़्यादा लालच आ चुका है कि हमसे ये ज़बरदस्ती कम से कम एक ट्रेड करवाना चाहते हैं कि अगर हम एक आधा ट्रेड लेंगे तो उस पर एक तो TDS कट जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा भी बन जाएगा, दूसरा ये कि मेकर टेकर फी ले लेंगे, यानी कि ट्रेडिंग फी ले लेंगे, जिससे क्या कि इनका भी पैसा बन जाएगा, यानी कि दोनों साइड इनके तो मज़े ही मज़े हैं लेकिन हमारा अमाउंट यहाँ पर फिर से कट जाएगा। अब यहाँ पर बात ये भी है कि ट्रेडिंग फ़ी भी बहुत ज़्यादा है, पहले 1% TDS लग रहा है और फी भी इतनी ज़्यादा ले रहे हैं, जिस वजह से कोई भी नहीं चाहेगा कि वो ट्रेड करे ऐसी एक्सचेंजेस के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि आपको एक आध बार करना ही पड़ेगा ट्रेड, महीने में एक बार अगर आप नहीं करोगे तो इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहली बात जो चुभने वाली है वो यही है कि ट्रेड क्यों करना, हमने हमारी मर्ज़ी अगर नहीं करना चाह रहे तो आप क्यों हमसे ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर इन्होंने दूसरा ऑप्शन क्या दिया कि अगर आप ट्रेड नहीं करना चाह रहे तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपने कॉइन्स डालने होंगे, आप लैंडिंग फीचर में जाकर अपने जो कॉइन्स हैं उनको लैंड कर दो, यानी कि लैंडिंग कर दो तो हम आपका पैसा नहीं काटेंगे, यानी कि ये हमारे पैसे को यूज़ करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हमारा पैसा वहाँ इनके सपोर्ट में पड़ा रहे। देन ऑब्वियसली मैं यही चाहूँगा कि अपना अमाउंट ज़ेप्पे से जल्द निकालूँ, लेकिन उसके बाद जब मैंने सोचा कि मैं इसको निकालूँ तो इसके बाद इन्होंने बताया कि हाँ इसके ऊपर आपको एक अलग से KYC करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेरी KYC ऑलरेडी डन है, तो इन्होंने कहा कि 2 मई 2023 के बाद आप एक नई पॉलिसी आई है क्रिप्टो पॉलिसी, जिससे क्या कि आपको एक एनहेंस्ड KYC करनी पड़ेगी, और एक ऐसी KYC जिसके 500 रुपये लगेंगे, ऐसी इस तरह की KYC, इस KYC के लेवल को अचीव करने के लिए 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे अलग से, और फिर आपका थर्ड लेवल का KYC हो जाएगा, यानी कि जनरली फर्स्ट लेवल का KYC, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, तो 3 लेवल का KYC कंप्लीट होगा तभी मैं विड्रॉल ले पाऊंगा। अगर मैं KYC नहीं करता हूं तो यहां पे इन्होंने कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर दिए। तो आप यहां पे देखोगे, यहां पे बताया होगा कि पर ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना कर सकता हूं, 125 BUSD लेवल 1 अगर KYC है तो, दिन में कर सकते हैं 2 ट्रांजेक्शन जो बनते हैं 250 BUSD। अब यहाँ पे इन्होंने इतनी बड़ी लिमिट लगा दी कि मैं $250 ही निकाल सकता हूँ, दूसरे लेवल की KYC होगी तो मैं $500 ही निकाल सकता हूँ, हालांकि इन्होंने बताया कि मैं 5 ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ लेकिन पांचों का टोटल 500 तक ही जा सकते हैं, पर ट्रांजेक्शन भी 500 और टोटल भी 500। तीसरे लेवल KYC होगा तो $7,500 कर सकते हैं और 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, $75,000 तक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इतना बड़ा अगर अमाउंट करेंगे तो एक तो उन्होंने ट्रेडिंग फी बहुत ज़्यादा काट लेनी है क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पर है, एक TDS कट जाएगा क्योंकि वो भी परसेंटेज के बेसिस पर है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जब भी हम ट्रेड करेंगे अगर हम विड्रॉ करेंगे विड्रॉल के चार्जेस भी लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरली हर कोई प्रेफर यही करता है कि वो USDT में विड्रॉ करें, लेकिन यहाँ पे विड्रॉल्स हो रहे थे सिर्फ और सिर्फ ERC20 में। TRC का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं था, जैसे कि Wizirex के ऊपर भी अभी भी TRC20 नहीं है, कोई भी ब्लॉकचेन नहीं है, यहाँ पे अभी तक ERC20 ही चल रहा था। तो इन द एंड मैंने ये भी सोचा कि चलो ERC20 से पैसे पे करके मैं विड्रॉल ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी ये काम नहीं आया क्योंकि इनको चाहिए था KYC लेवल 2 या लेवल 3 तभी मैं अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे ऑप्शन ये था, अगर BTC या इथेरियम करते हैं तो BTC $250 पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और इथेरियम करना है तो $1,000 पर डे कर सकते हैं, जो कि कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि इतना बड़ा BTC इथेरियम करेंगे और उसके ऊपर ये फीस काट लेंगे तो बहुत गलत चीज़ है। अब ओवरऑल मैंने आपको लगभग सारी कहानी समझा दी है, इसका मतलब यहाँ पे मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम इसके ऊपर पैसा नहीं रख सकते, अगर रखते हैं तो हर महीने ये पैसा काटेंगे। दूसरी बात, KYC के लिए बोलेंगे, KYC करने के लिए 500 रुपये अलग से लेने वाले, ऐसी कोई कौन सी एक्सचेंज है जो पैसे मांगती है KYC करने के लिए। यहाँ पे मैंने क्रिप्टो फोर्स यूज़ किया, Wizirex यूज़ किया, कितनी सारी एक्सचेंजेस यूज़ करी हैं, किसी भी एक्सचेंज ने आज तक 500 रुपया, 100 रुपया या 1 रुपया अभी तक भी नहीं मांगा कि KYC की जा रही है। दूसरी और तीसरी चीज़ ये कि जब KYC होगी उसके बाद ही विड्रॉ ले पाओगे और उसके ऊपर लिमिट्स लगी हुई हैं, लिमिट्स के बेसिस पर आपको यहाँ पे पैसा निकालना पड़ेगा और उसके ऊपर यहाँ पे ये ट्रेडिंग फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं मुझे, जिसको मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इनके नए रूल्स एंड रेगुलेशन से या फिर कोई नई क्रिप्टो पॉलिसी आ गई है, इनफैक्ट मैं यही बोलूंगा कि ये एक तरीके से स्कैम है
ZPay को बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं इस तरीके से कि पैसे लूट रहे हैं KYC के नाम पे, ट्रेडिंग फी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और हर महीने पैसे काट रहे हैं कि अगर हमने ट्रेड नहीं लिया। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि शायद 500 रुपये देकर आपकी KYC हो जाएगी, तो आपको KYC में बहुत कुछ बताना पड़ेगा, जैसे कि आपकी करंट ऑक्यूपेशन डिटेल क्या है, क्रिप्टो करेंसी आप ट्रांसफ़र जो कर रहे हो उसका सोर्स क्या है, उसी के साथ आपका सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है, इसी के साथ आपका सोर्स ऑफ फंड्स पिछले 6 महीने का बैंक विद बैंक स्टेटमेंट क्या है, आपकी ITR क्या है उसको भी यहाँ पे दो, सेल्फी इमेज विद डॉक्यूमेंट जो कि कोई बड़ी बात नहीं है वो हम कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि ITR भी मांग रहे हैं, फंड्स का सोर्स भी मांग रहे हैं, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी मांग रहे हैं, इतना कुछ मांग रहे हैं, यानी कि इतना कुछ करना पड़ेगा अगर आपको KYC करनी है तो। लेकिन ऐसा किसी और एक्सचेंज ने नहीं कहा, सिर्फ ZPay ही ऐसा मांग रहा है। ओवरऑल बहुत बुरा एक्सपीरियंस मेरा रहा, लेकिन लास्ट में मुझे एक चीज़ अच्छी मिली कि मैंने जितना मेरा पैसा लग रहा था मैंने कटने दिया, ट्रेडिंग फी भी दे दी, TDS भी दे दिया, यहाँ पे विड्रॉल फीस भी दे दी। मेरा फाइनली जो विड्रॉल था वो बहुत ही फास्टली आ गया मेरे बैंक अकाउंट में, मैंने विड्रॉल निकाला और बैंक विड्रॉल बहुत ही ईजिली आ गया था। तो एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी है, बाकी अगर आप इसको यूज़ करने का कभी सोचते हो तो बहुत ही बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि ZPay हम ट्रेडर्स के लिए या फिर स्पॉट होल्डर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए। तो आज का ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था, आज नहीं तो कल आपको ये सेम प्रॉब्लम आने वाली है, हो सकता है बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी आए, क्योंकि बाकी एक्सचेंजेस हैं अगर वो KYC मांगते तो वो इस तरीके से पैसे नहीं मांग रहे, वो सिर्फ KYC करवा रहे हैं। लेकिन इस एक्सचेंज का थोड़ा अलग ही सीन चल रहा है, आपके क्या मानना है इसके बारे में एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में जान पाएं। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।